हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रोज़ की तरह टिप्स एंड ट्रिक्स की बहुत ही काम की वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो सलाद काटने को लेकर है। गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में हम बहुत सारा सलाद कंज्यूम करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम जब भी सलाद काटते हैं तो मोस्टली राउंड शेप की ही सैलेड काटते हैं। मतलब कोई भी सब्जी हो, हम राउंड शेप की ही काटते हैं। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि राउंड शेप की जब हम सब्जियां काटते हैं, यानी कि सैलेड में जब राउंड शेप के पीसेस कट करते हैं, तो इनका जो जूस है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडाइज होकर निकलता है। यानी कि जूस निकल जाता है सब्जियों से, प्लेट में या फिर जिस बर्तन में हमने रखा है उसमें आ जाता है। इससे बचने के लिए आपको एक बहुत अच्छी सी टिप बता रही हूँ कि सब्जियों को हमेशा थोड़ा सा तिरछा काटें, यानी कि हल्का सा स्लैंटिंग वे में काटें। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा तिरछा काटेंगे तो आप देखेंगे सब्जियों का जो जूस है वो निकलता नहीं है, इसमें बना रहता है। तो अगर आप भी पहले से सैलेड काट कर रखते हैं तो ये टिप जो है आप ज़रूर फॉलो करिएगा। अब वो चाहे सब्जी टमाटर हो, खीरा हो या फिर गाजर ही क्यों ना हो। वैसे गाजर से उतना जूस नहीं निकलता जितना खीरा या टमाटर से निकलता है। तो हमेशा सब्जियों को स्लैंटिंग काटें, यानी कि तिरछा काटें। आप देखेंगे कि जो जूस है वो बहुत अच्छे से इनमें बरकरार रहता है। तो ये टिप कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और हाँ, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं गर्मियों की एक और बहुत ही प्यारी सी टिप। जैसे कि आपको पता है गर्मियों में हम सब घूमने जाते हैं तो हैट या कैप ये जरूर लगाते हैं। अब हैट और कैप जो लगाते हैं उनमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। 1 से 2 दिन अगर लगातार लगा कर रखें तो हमारे बालों के साथ साथ हमारी कैप के अंदर भी बहुत सारा पसीना हो जाता है और कैप से बदबू आने लगती है। ऐसे टाइम पर हम कर सकते हैं किसी भी सैनिटरी पैड का इस्तेमाल। कोई भी सैनिटरी पैड हो जो आपके पास पड़ा हुआ हो, उसको ले लीजिए और इस तरह से उसको कैप के अंदर स्टिक कर दीजिए। आप जो है कैप में भी कर सकते हैं, हैट में भी ये काम कर सकते हैं। सैनिटरी पैड को स्टिक करने के बाद अब जब आप कैप को लगाएंगे या फिर बच्चों को भी लगाएंगे तो आप देखेंगे जो पसीना है वो निकल कर कैप में नहीं आता है, साथ ही माथे पर उतना पसीना नहीं आता और ना ही हमारे बाल अंदर से चिपकते हैं। क्योंकि कैप लगाने के बाद कई बार बाल बहुत ज़्यादा अंदर चिपक जाते हैं जो कि देखने में बुरे लगते हैं। तो इस तरीके से आपके जो है पसीना की स्मेल हमारे कैप तक नहीं आएगी। होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप है स्प्राउट को लेकर। अब स्प्राउट हैं जिनको हम गर्मियों में खूब खाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है स्प्राउट को फ्रिज में रखने के बाद भी इनमें से स्मेल जल्दी आने लगती है। 2 से 3 दिन में ही ये थोड़े लसलसे से हो जाते हैं। जब आपको स्प्राउट को स्टोर करके रखना हो, लगभग कभी हम अंकुरित तैयार कर लेते हैं, इसको काफ़ी दिन तक स्टोर करके रखते हैं। ऐसे टाइम पर स्प्राउट को जब आप स्टोर कर रहे हो, उससे पहले आप नींबू के जूस की कुछ बूंदें, यहाँ पर मैंने नींबू के जूस को निकाल लिया था, तो इतने स्प्राउट में मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच के लगभग लेमन जूस ऐड किया है। अच्छे से मिलाएंगे और ढक्कन लगाकर इसको फ्रिज में रख दीजिए। फिर आप देखेंगे कि स्प्राउट जो है कई दिनों तक फ्रेश बने होते हैं। नेक्स्ट टिप है नाइफ़ को लेकर। नाइफ़ की धार जब ख़त्म हो जाती है तो हम कई बार कई तरीके अपनाते हैं, या फिर मार्केट में बेचकर 20 से 25 रुपए में एक नाइफ़ की धार को सही करवाते हैं, तो ये हो जाती है हमारी एक अलग सी एक्स्ट्रा पैसों की वेस्टेज। तो चलिए बताते हैं कि घर में नाइफ़ की धार को कैसे सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेना है एक कांच का ग्लास, इसमें डालना है पानी। तो 1/2 ग्लास से थोड़ा सा कम मैंने पानी लिया है। अब इसके बाद से आपके पास विनेगर हो, विनेगर को आपको डालना है। तो जितना मैंने पानी लिया है उतना ही विनेगर ले लिया है। अब इसके बाद से इस पानी में नाइफ़ को डिप कर दीजिए। इस नाइफ़ को डिप करने के बाद हमें इसको छोड़ना है 1/2 घंटे तक। 1/2 घंटे के बाद नाइफ़ को निकालेंगे और हमारे पास घर में होता है ग्रीन स्क्रबर, लेकिन ध्यान रखें कि नया स्क्रबर यूज़ करना है क्योंकि इसकी धार काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। ग्रीन स्क्रबर से लेने के आपको नाइफ़ को इस तरीके से अच्छे से रब कर देना है। हल्के से ही रब करते हुए आप देखेंगे धार की साइड से करिएगा तो आप देखेंगे नाइफ़ की धार बिल्कुल शाइन करने लगती है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी हो जाती है। इस तरीके से नाइफ़ की धार को आप ज़रूर सही करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप है जिसमें मैंने लिया है एक पैन, और पैन में मैंने लिया है 1 कप पानी। अब ये पानी में जब उबाल आ जाएगा तब हमारे पास घर में जो मिट्टी के दिए होते हैं, दिए पुराने भी चलेंगे और नए भी चलेंगे, जो भी आपके पास हो, तो इस पानी के अंदर जितने भी दिए आ जाते हैं वो दिए आप डाल दीजिए। मैंने जैसे इस पैन में 4 से 5 दिए डाले हैं। अब पानी जबकि उबल रहा है, दिए भी हमारे हल्के हल्के से गीले होना शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पर हमें यहाँ पर लाना है 1.5 से 2 चम्मच चीनी। चीनी को आप इसी तरीके से डाल दीजिए और चीनी को भी हल्का सा मेल्ट होने देंगे। चीनी के बाद अब मैंने लिया है 2 कप दूध। 2 कप दूध डालेंगे और इसको आने देंगे एक अच्छा सा उबाल। हल्का सा उबाल आएंगे, इस बीच क्या होते हैं दियों की जो खुशबू होती है वह पूरे पानी में फैलने लगती है। अब पानी में भी जब उबाल आ जाए दोस्तों
तो हम डालेंगे चाय की पत्ती। जी हाँ, यहाँ पर मैं 1 से 1.5 चम्मच चाय की पत्ती का इस्तेमाल करूँगी। आप चाय में कितनी चाय पत्ती डालते हैं उतनी आप डाल सकते हैं। चाय पत्ती डालने के बाद अदरक तुलसी जो भी आप डालते हैं अपनी चाय में वो आप डाल लीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अदरक को कूट कर डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी बन रही है दिए वाली चाय। दिए डालने का सेंस ये था कि जो दिए की सोधी सोधी स्मेल होती है वो हमारी चाय को बहुत ज़्यादा लाजवाब बनाती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसमें तंदूरी स्वाद आता है, क्योंकि तंदूरी स्वाद बनाने का एक अलग तरीका होता है, लेकिन हाँ मिट्टी की स्मेल जो होती है वो ऐसा लगता है जैसे हमने चाय को चूल्हे पर बनाया है और मिट्टी की बहुत अच्छी सी सोधी स्मेल हमारी चाय में आती है। इस चाय को आपको 3 से 4 मिनट, कम से कम 5 मिनट धीमी धीमी आँच पर पकाना है। दियों को एज इट इज़ रखना। आप देख रहे हैं मैंने दियों को हिलाया तक नहीं है। हमारे दिए जो है चाय के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से पक जाते हैं, और आप देख रहे हैं चाय का कलर भी कितना ज़्यादा अच्छा आया है। इसे मैंने 5 मिनट पकाया है। 5 मिनट के बाद इस चाय को जब आप छानेंगे तो आपकी किचन में, पूरी किचन में मिट्टी की सोधी सोधी स्मेल आएगी। चाय से भी बहुत प्यारी सी स्मेल आती है। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो निसंदेह आप गर्मियों में भी थोड़ी चाय तो पीते होंगे। तो मिट्टी के दिए वाली ये चाय बनाकर अपने घर में आप जरूर पीजिएगा, घर वालों को भी पिलाइएगा। और हाँ, ये जो दिए हैं इनको वॉश करके रख लीजिए, नेक्स्ट टाइम भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 8 से 10 बार हम इन दियों को चाय में रीयूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो ये चाय है दोस्तों, इसकी एक घूंट लेते ही आपको पता चलेगा कि आपने क्या जादू सा चीज़ बना दिया है, क्या मैजिकल ड्रिंक बनाया है, क्योंकि ये चाय इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये हमारे घर में बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो मैं अक्सर ऐसी चाय बनाकर पीती हूँ। आप कब बनाकर ट्राई कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हमारे घर में लेफ्ट ओवर पड़े हुए चावल को लेकर। जब भी हम चावल बनाते हैं कई बार चावल थोड़े थोड़े जरूर बच जाते हैं। जब भी ये चावल बचते हैं हम इनको फ्रिज से निकालते हैं तो आपने देखा है कितने ज़्यादा ये कड़क हो जाते हैं, चाहे हमने इसे कितने भी बढ़िया तरीके से स्टोर करके क्यों ना रखा हो। तो जब आपकी चावल बच जाती है तो आप इनका क्या करते हैं कमेंट करके मुझे जरूर नए आइडियाज़ अपने बताइएगा। तो यहाँ पर जो चावल है वो इतनी ज़्यादा कड़क है, हालांकि ये ज़्यादा नहीं, सिर्फ रात भर की पुरानी चावल है, लेकिन कई बार ऐसी चावल कड़क हो ही जाती है। इसको हम कैसे बिल्कुल सॉफ्ट बना सकते हैं, कैसे इसको रीयूज़ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावल के जितने मोटे मोटे पीसेज हैं उनको इस तरीके से हाथों से तोड़ लीजिए। अब यहाँ पर एक पैन या भगोने में पानी गर्म करने रखिए, ये पानी पीने वाला होना चाहिए, और पानी में उबाल आते ही जो चावल हैं उसको डाल दीजिए। अब इन चावलों को 2 से 3 मिनट आपको इस गर्म पानी के साथ पकाना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना। ध्यान रखें कि अगर बर्तन की तली पतली है तो आप चावल को थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए, पानी में हल्का सा उबाल आ जाए 1 से 2 मिनट चावल पकने जरूरी हैं। आप चाहें तो इस टाइम पर चावल में नमक भी डाल सकते हैं जिससे चावल का टेस्ट बढ़ जाता है, या फिर देसी घी की कुछ बूंदें भी डाल सकते हैं। अब जब चावल हमारा अच्छे से पकने लगा है, ये देखिए इस तरह से चावल के पानी में उबाल आ जाए, चावल 1 से 2 मिनट पक चुका है, तब आप गैस को बंद कर दीजिए। बस इतना ही हमें पकाना है और उसके बाद से चावलों को इस पानी से छान लेना है। अब ये जो पानी है ये हमारे किसी भी काम में आ सकते हैं, दाल में, चावल में, या फिर आटा गूंदने में। साथ ही जो चावल है वो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसको दाल के साथ यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसको फ्राई करके कुछ फ्राइड राइस वगैरह भी बना सकते हैं। तो इस तरह से चावलों को हम बहुत अच्छे से फ्रेश बना सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, आप दोनों का इस्तेमाल करके देखिएगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।